मित्रों, हिंदू धर्म में कई पुराण और ग्रंथ हैं, जिनमें से एक गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, किंतु इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित कुछ गलतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती हैं और आपकी जान भी ले सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी वो गलतियां हैं जो आपकी जान ले सकती हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहली गलती, ग्रंथों का ना करें अपमान। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ग्रंथों का अपमान ना करें, क्योंकि किसी भी धर्म का ग्रंथ हो वो पूजनीय ही होता है। उससे हमें किसी ना किसी तरह का ज्ञान जरूर मिलता है। हमारे पुराणों में ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता करती हैं। इसलिए इन पवित्र ग्रंथों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आप पाप के भागी बनते हैं और आगे चलकर किसी तरह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी गलती, दूसरों की निंदा करने वाले। पुराण के अनुसार किसी मनुष्य की निंदा करना पाप के समान होता है। निंदा करने में व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है, परंतु यह केवल अपने समय को नष्ट करना होता है। ऐसे लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण दुखी होते रहते हैं। तीसरी गलती, घमंड। मित्रों, महाभारत में दुर्योधन और रामायण में रावण के बारे में बताया गया है कि कैसे घमंड के चलते उनके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों का मान सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से खुद के साथ साथ परिवार का भी अंत हो जाता है। चौथी गलती, बड़े बुजुर्गों का अपमान। इस पुराण में बताया गया है कि कभी भी अपनों से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाते। इतना ही नहीं, उनका भविष्य अंधकार की ओर चला जाता है। पांचवी गलती, मैले वस्त्र पहनने वाला। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं और मैले वस्त्र धारण करते हैं, उनके ऊपर कभी लक्ष्मी माता की कृपा नहीं होती और हमेशा धन के लिए तरसते रहते हैं। गंदे वस्त्रों को दरिद्रता की निशानी माना गया है, इसलिए हमेशा मनुष्य को साफ सुथरे व स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। छठवीं गलती, रात को दही ना खाएं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार दही सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है, किंतु इसका सेवन रात के लिए हानिकारक माना जाता है। दिन के समय आप भले ही खूब दही खाएं, लेकिन रात में इससे बचें, क्योंकि रात में इसके सेवन से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है और आपकी उम्र कम होती है। सातवीं गलती, दूसरे के सुख से जलन। ऐसा अक्सर होता है कि कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं। ऐसा करने से उनके खुद के मन में तनाव बढ़ता है, इसलिए कभी भी दूसरों की खुशी को देखकर जलन की भावना ना रखें। जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। यदि हम दूसरों की खुशी को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो खुद कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। आठवीं गलती, धन का अहंकार करने वाला। मनुष्य को कभी भी धन की प्राप्ति होने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार की भावना से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति अहंकार में आकर दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। साथ ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है और अपने से कमजोर लोगों को नीचा दिखाना या फिर उन्हें कष्ट पहुंचाना धार्मिक ग्रंथों में पाप माना गया है, जिससे उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। नौवीं गलती, स्त्री को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मनुष्य किसी स्त्री को नहाते हुए देख ले तो वह पाप का भागी बन जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति को चरित्रहीन बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंसान ऐसा जानबूझकर करता है वह महापाप का भागीदार बन जाता है और उसका ये पाप उसके अंत तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आपको बता दें कि ऐसा करने वाले मनुष्य को कठोर से कठोर दंड की प्राप्ति होती है। यदि यह गलती अनजाने में होती है तो इसके लिए भगवान उसे माफी मांगने पर माफ कर सकते हैं, किंतु जानबूझकर ये काम करने वाले को चाहे कितनी भी माफी मांग ले कभी माफी नहीं मिलती। तो मित्रों, ये आपने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार ये गलतियां आपकी जान ले सकती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर इस पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनते और सुनाते हैं? अगर नहीं तो बताते हैं। गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है, क्योंकि 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान पुराण का पाठ करने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की चीजों के बारे में जान लेता है
और तो और आगे की यात्रा में उसे किस बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका प्रस्थान हो सकता है, यह सभी वह पुराण सुनकर जान लेता है। वहीं इस पुराण के पाठ के जरिए मृतक के परिजन यह समझ जाते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिवार वाले दोनों ही यह जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। यह पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है और सभी को पता है कि सत्कर्म और सुमति से ही सदगति और मुक्ति मिलती है। इस गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले नरकों के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, इस पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान से अवगत कराना है। इसके 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोक में पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है, और ये सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। तो मित्रों, आपने जानी गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।